नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई समस्या बहुत डिस्टर्बेंस नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक जाना माना बहुत ही सुंदर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी करना चाहते हैं, जो लोग कोई इच्छा ऐसी रखते हैं जिसको पूरा होने में उनको काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घर में कन्या शादी के लायक हो गई है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके धंधे बिजनेस में मंदी 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 ही आती जा रही है, मतलब उनको नुकसान ही होते जा रहा है, उनको फायदे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो एक तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, सभी जानते हैं, उसको सिर्फ पौधा ना समझें। बात है तुलसी का, आयुर्वेद के अंदर भी बहुत बड़ा स्थान है दोस्तों। ये तंत्र मंत्र की दुनिया में भी माता तुलसी का अपना एक बहुत मजबूत स्थान है। माता तुलसी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाएगी दोस्तों, वो व्यक्ति किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं हो सकता, वो हर चीज उसके पास हाजिर हो जाएगी जिसकी वो इच्छा रखता है। तो चलिए दोस्तों, माता तुलसी का ही एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, ये क्रिया आपको या तो सोमवार या शुक्रवार दो दिन में ही करना है। या तो आप सोमवार को कर लें या फिर इस क्रिया को आप शुक्रवार के दिन करें। जिन लोगों की कुछ इच्छाएं हैं और वो पूरी नहीं हो रही, वो किसी भी तरह के प्रयत्न से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में उनके बहुत सारे काम, उनके बीच में कुछ बाधाएं हैं जो दीवार बन के खड़ी हैं, और वो बाधाएं अदृश्य बाधाएं हैं जो देखी नहीं जा सकती। तो ऐसे संजोगों में आपको माता तुलसी का एक उपाय करना है दोस्तों। आपको सुबह नहा धोके स्वच्छ होके, दिन मैंने बता दिए, या तो शुक्रवार को करें या सोमवार को, और आप स्वच्छ कपड़े पहने और आप एक लोटा जल भर ले में स्वच्छ पानी, और माता तुलसी को, तुलसी का पौधा मोस्ट ऑफ घरों में होता है, तो माता तुलसी को एक लोटा जल अर्पित करें, और जल अर्पित करने के बाद आप माता तुलसी से हाथ जोड़ के विनम्र भाव से प्रार्थना करें और उनसे चार पत्ते मांगे। आप जो काम आपका रुका हुआ है या जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मन ही मन उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए माता तुलसी से चार पत्ते विनम्र भाव से मांग के तोड़ ले। पत्ते दोस्तों साबुत होने चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए पत्ते में, और वो चार पत्ते आपको या तो कोई पीतल का लोटा हो आपके पास, अगर पीतल का लोटा नहीं है तो कोई घड़ा हो आपके पास पीतल का, ये
पत्ते आपको पीतल के ही बर्तन में रखने हैं, पीतल का घड़ा या लोटा में पानी भर लें और उस पानी के अंदर वो पत्ते डाल के आप किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें जहां उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और उस लोटा या घड़े को ऊपर से ढक्कन से ढक दें। वो आपको 24 घंटे तक रखना है उसी जगह जहां आपने रख दिया है, बीच में उसको उठा के इधर से उधर ना रखें और उसको डिस्टर्ब भी ना करें, उसके ढक्कन को भी ना खोलें। 24 घंटे जब हो जाए, मतलब दूसरे दिन सुबह मंगलवार को, फिक्स टाइम 24 घंटे, मतलब 24 घंटे उसके बाद आप उस पानी को लें। सबसे पहले आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वहां थोड़ा सा पानी छांटे, उसके बाद आपके घर के सभी कोने में थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दे, बाकी बचा हुआ जल उसमें से थोड़ा थोड़ा आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं पंचामृत के रूप में या प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें, और बचा हुआ पानी कहीं स्वच्छ स्थान पर या किसी भी स्वच्छ वृक्ष के अंदर, जो पवित्र वृक्ष हो ऐसे वृक्ष में चढ़ा दें। दोस्तों, आपकी जो भी मुराद होगी, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी वर्षों से रुका हुआ काम है 100% हो जाएगा। दूसरा, दोस्तों, जिस घर में कन्या सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, लेकिन उसके लिए उसके योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, या उसकी शादी में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण वो शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कन्या को सुबह नहा धो के स्वच्छ होके एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में चढ़ाना है रोज। दोस्तों, आप ये करके तो देखिए, बहुत जल्दी शादी संपन्न हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जिन लोगों के धंधे या बिजनेस में नुकसान पे नुकसान होते चले जा रहे हैं, या तो किसी ने कोई नकारात्मक शक्ति भेज दी है, या फिर कुछ और बाधा है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे लोगों को जो अपने बिजनेस को आगे लाना चाहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले उनको भी सोमवार या शुक्रवार का ही दिन पसंद करना है। आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, नहा धो के स्वच्छ होने के बाद, कपड़े भी आपको स्वच्छ पहनने हैं दोस्तों, थोड़ा सा कच्चा दूध किसी भी लोटा में या किसी में ले लें, और सफेद आपको मिठाई लेनी है जो 100 ग्राम 150 ग्राम जैसी भी आपको आपसे बन सके, और आपको वो कच्चा दूध माता तुलसी की जड़ में चढ़ा देना है, और जो सफेद मिठाई है उसका भोग लगा देना है। आपको वहां घी का दिया लगाना है और 2 अगरबत्ती लगा देनी है, दूध ही चढ़ाना है, फिर जल नहीं चढ़ाना है। घी का दीपक जला दें, 2 अगरबत्ती लगा दें, कच्चा दूध चढ़ा दें और सफेद मिठाई का भोग लगा दें। बस दोस्तों, बहुत जल्दी आपके बिजनेस के बीच में जो भी बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगी। माता तुलसी की कृपा से आपका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने लग जाएगा। तो माता तुलसी की पूजा कभी विफल नहीं हो सकती, सिर्फ आप करके तो देखिए। इसमें दोस्तों एक चीज मैं फिर कहूंगा, ये क्रिया करते समय श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव का होना बहुत जरूरी है। ये अगर होंगे तो आपका क्रिया का आपको भरपूर फल प्राप्त होगा।
तो चलिए दोस्तों इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछ रहे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।